आज आपको पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सब लोग याद करो, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बाबू हिंदी में, पूर्ण अपूर्ण भूत काल, पूर्ण अपूर्ण भूत काल। समझे सब लोग, क्या कहोगे? पूर्ण अपूर्ण भूत काल। तो देखो सब लोग ध्यान से, इसकी पहचान क्या कहोगे कि जब कोई हिंदी वाक्य है उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आया हो, और इसके साथ समय भी आया हो, इसके साथ क्या आया हो, समय भी आया हो, तो ऐसे वाक्य को हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सुनो पहले ध्यान से, पहले पहचान लिखा जाता है, पहचान क्या होता है ना, पहचान होता है कि इसमें समय दिया रहेगा, समय, और अंत में क्या होता है, रहा था, रही थी। हाँ मत बोलो बाबू, मत बोलो, चलिए पढ़ाई करो, चलो। समय है प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, सुबह के टाइम है यार, क्या करते हो, इतना अच्छा समय है पढ़ाई के, सुहावना। चला नियम में क्या होता है बाबू, सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग, सब लोग की याद है, प्लस हैड बीन, प्लस हैड बीन, हमेशा हैड बीन का लगातार यूज करते रहेंगे आप, प्लस वर्ब में आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, प्लस टाइम, इतना नियम होता है बाबू। अगर निगेटिव में है, जैसे नाट आ गया, जैसे वह घर नहीं जाता है, नाट आ गया, नाट आ गया, तो क्या करोगे, क्या करोगे, तीसरा नंबर पर नाट आना चाहिए, यानी हाइट के बाद आपको नाट लगा देना है, सारा रूल वही रहेगा, बस इन दोनों के बीच में नाट लगा देना है, ठीक है। सब्जेक्ट वैसे ही लिखो, हेड वैसे ही लिखो, नाट लिखो, तब आप बीन लिखिए, बीन, ठीक है, तब बर में आई एन जी लिखिए, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फार, प्लस टाइम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, अगर वाक्य क्या से शुरू होगा तब क्या करेंगे, क्या से शुरू हुआ तो इसको उठा करके पहले कर देंगे, इसको हैड को, क्या के अंग्रेजी नहीं लिखते हैं बाबू, पहले आप हैड लिखेंगे, तब आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तब आप बीन लिखेंगे, तब आप बर में आई एन जी लिखेंगे, तब आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब आप सिंस या फार लिखेंगे, तब आप टाइम लिखेंगे, और अंतिम क्वेश्चन मार्क लगा। सोचिए, ये बनाने का रूल हमारे पास रहा, सब बच्चा लोग एकदम याद कर लेंगे आज जबरदस्त तरीके से। जब भी आपसे महसूस हो कि वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, वह दोपहर से गीत गा रहा था, वह चाहे हम लोग दो दिन से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, वे लोग चार बजे से घर जा रहे थे, ऐसे वाक्य अगर महसूस हो, आपको दिया गया हो, तो उन सभी वाक्यों को बनाने के लिए ये जो सूत्र आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल करेंगे आप। बात समझ रहे हैं? जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन का यूज, हैड बीन तो हमेशा रहेगा, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमेशा हैड बीन का यूज किया जाता है। तुमने याद किया कि नहीं फॉर्मूला? पूरा याद क्लब है, एकदम दिमाग में कैच हो जाना चाहिए, समझ रहे हो? हैड बीन का हमेशा यूज करोगे, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ठीक है, हमेशा टाइम। अच्छा, टाइम दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समय होता है, तो निश्चित के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे चार बजे, पाँच बजे, सात बजे अगर आ जाए तो समय आपका क्या होता है, निश्चित होता है, चाहे दोपहर से दे दे, चाहे शाम से दे दे, चाहे सुबह से दे दे, आकाश बाबू चाहे आकाश से दे दे, तो हमेशा समय निश्चित होता है, इसके लिए आप सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, अगर सुबह होगा तो सिंस मॉर्निंग, दोपहर होगा तो सिंस आफ्टरनून, शाम होगा तो सिंस इवनिंग, दो बजे होगा तो सिंस टू ओ क्लाक, चार बजे होगा तो सिंस फोर ओ क्लाक, समझ रहे बात को? अगर अनिश्चित समय होगा तो उसके लिए फार का प्रयोग करते हैं, जैसे कह देगा दो घंटा तो फार टू
टू आवर्स पार का यूज होगा, पार टू आवर्स। उसके पास करिए दो दिन तो पार टू डेज हो जाएगा, चार दिन पार फोर डेज हो जाएगा, आठ दिन पार फोर पार एट डेज हो जाएगा। जेगा कहेगा वैसे समय निश्चित होगा, लेकिन दोपहर हो शाम हो सुबह हो यह हमेशा समय निश्चित होता है। और इन सभी के लिए हम लोग हमेशा सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं सिंस का है नीरज, सुबह से इसका अंग्रेजी क्या कहोगे? हाँ, दोपहर से, शाम से, चार बजे से सिंस फोर ओ क्लाक, पांच बजे से हाँ, रविवार से सिंस संडे, दोपहर से तो हो गया सिंस आफ्टरनून, शाम से हो गया सिंस इवनिंग, मॉर्निंग का हो गया सुबह का सिंस मॉर्निंग, सोमवार से कह देगा सिंस मंडे, जनवरी से कह देगा सिंस जनवरी, 1990 कह देगा सिंस 1990। लेकिन चार घंटा, पांच घंटा, दो दिन, बीस दिन, तीस दिन ये कह दे तो हमेशा फार का यूज करते हैं। सबको याद है सिंस और फार का प्रयोग। अब हम लोग कुछ वाक्य को बनाएंगे, बनाए न फर्स्ट है, सब लोग बनाओगे, सब लोग बनाओगे। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था, बताओ मैं के लिए क्या लिखोगे? आई, और देखो रहा था के लिए क्या लिखोगे? हैड बीन का प्रयोग करेंगे, जानते हो कहा है, कहा है कि टाइम आ गई बा सुबह से, तो आई हैड बीन पढ़ना के रीडिंग, पढ़ना क्या आता है रीडिंग, अंग्रेजी के इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सबसे अंतिम में टाइम लिखा जाता है, देख भी रहे हैं आप, सिंस मॉर्निंग। कोई दिक्कत किसी को? वह दोपहर से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, वह दोपहर से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, बताओ वह की अंग्रेजी क्या हो गई? ही हैड बीन, हैड बीन हमेशा यूज करेगा ना, अच्छा ला आई भाई एक मिनट, नहीं है तो हैड के बाद नॉट, तब बीन रहेगा, तब खेलना है क्या होता है प्ले, लेकिन हो जाएगा प्लेइंग क्रिकेट, हाँ सिंस आफ्टर नून, सिंस आफ्टर नून, और अंतिम में आपको फुल स्टॉप लगा दे। अच्छा और चलो, राधा दो दिन से विद्यालय क्यों जा रही थी? राधा दो दिन से विद्यालय क्यों जा रही थी? चलो भाई, क्यों की अंग्रेजी पहले लिखोगे? वाई, वाई हैड राधा बीन, वाई हैड राधा बीन, चलिए गोइंग लिखेंगे, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, आ दो दिन बाद हो तीता सिंस रखो फार टू डेज, अनिश्चित समय है टू डेज। और आ जाओ, क्या बकरिया, बकरी देखो, बकरी बकरी काल देखोगे, काल देखोगे, क्या बकरिया खेत में, क्या बकरिया दो दिन से शनिचर महाराज से कहा हुआ, क्या तेरस से देखा जला, तेरस पेरस देखा जला, क्या बकरिया दो दिन से खेत में चर रही है, क्या बकरिया दो दिन से खेत में चर रही थी, लिखना थी, बताओ क्या के अंग्रेजी कभी लिखते हैं कहा ना, हैड लिखेंगे तब लिखेंगे द गोट्स, हैड द गोट्स तब का लिखेंगे बीन, और चरना क्या होता है ग्रेजिंग,
कागा हैड द गोट्स बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड इन द फील्ड कौन से दो दिन से द फार टू डेज बोलो बना लोगे ऐसा नोट कर लो तब आपको दे रहे हैं दस बनाने के लिए आई मिटा दे इसको तो चलिए लिखते हैं हम लोग पांच वो लिख लेते हैं बना के लेकर आएंगे हम सभी लोग वन टू थ्री फोर फाइव मोहन शाम से घंटी घंटी बजा रहा था मोहन शाम से घंटी बजा रहा था सोहन रात से नया साल मना रहा था नया साल मना रहा था एक नया साल आपके जीवन में बहुत खुशियां लाएगा क्या हम लोग 2022 से अंग्रेजी पढ़ रहे थे ये तो आने वाला है कि पहले ही लिख लेना आगे लिखना मेरे पिताजी दो हजार इक्कीस से अमेरिका में रह रहे थे अब कहाँ आ गए इंडिया मेरे पिताजी 2021 से अमेरिका में रह रहे थे रहना का अंग्रेजी में लिविंग कहते हैं ध्यान रखना वे लोग सुबह से कल 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 कुशीनगर हवाई अड्डा देखने के लिए जा रहे थे हवाई अड्डा देखने के लिए जा रहे थे याद है ना हवाई अड्डा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं एयरपोर्ट कहा जाता है अच्छा पांच को और लिख लो लड़का का नाम है कि सर अब दस नहीं देते हैं तो हम लोग का दिमाग चल नहीं पाता है तुम लोग 1990 से जन्म हुआ था तुम लोग का और अभी अखिया बना थे पेटवा में हो तुम लोग 1990 से भारत में रह रहे थे 1990 में आँख बनल हुई 1991 में नाक बनल हुई 1992 में एगो हाथ बनल हुई 93 में नोह बनल हुई 94 में ओठ बनल हुई नीचे वाला 95 में ऊपर वाला ओठ बनल हुई ओकरा बाद से एंग माने तब 96 में एगो नाक में छेद भइल हुई 97 में एगो नाक में छेद भइल हुई अरे प्रिंसुआ में तो अभी टाइम लागल हुई बनाने वाला पसीना छूट गए ये लोग 2021 से गांव में क्यों नहीं रह रहे थे शहर में नौकरी हो गई है ना इसलिए वे लोग 2021 से गांव में क्यों नहीं रह रहे थे राधा का भाई तुम लोग भाई है ना तो भौजाई भी होगी राधा का भाई 2022 से 2022 से गीत गा रहा था तुम लोग के लिए कितना खास दिन आने वाला है इसी में हाई स्कूल का पेपर दोगे मेरी माता जी सुबह से दही चिवड़ा खा रही है दही गॉड
चूरा का चूरा लिख लिया। मेरी माता जी सुबह से दही चूरा खा रही थी। खाती है कि नहीं आपकी माता जी? तरमाई की नोटी में छेद नहीं रखते हैं। वे लोग 4 बजे से कलम से लिख रहे थे। वे लोग 4 बजे से कलम से लिख रहे थे। ये 10 है, बना लोगे सब लोग?